हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज विधि की रसोई में हम बना रहे हैं रेवड़ी। कैसे बनाते हैं? लोहड़ी आने वाली है तो हम बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमने यहाँ पे आधी कटोरी तिल लिए सफ़ेद वाले, आप देख सकते हैं, और इनको हमने साफ कर लिया है। और इसी नाप से है यहाँ पे एक कटोरी चीनी और ये 2 चम्मच घी। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पैन रख दिया है और गैस कर दी ऑन। अब हम यहाँ पे डालते हैं तिल। हमने यहाँ पे तिल डाल दिए हैं और इनको हम इस तरह चलाते रहेंगे, इनको हल्का सा भूनेंगे। तो ये तिल हमारे 2-3 मिनट में भून जाएंगे और इन्हें हमें इसी तरह चलाना है ताकि ये जले ना। तो फ्रेंड्स, हमें इन्हें तिल को चलाते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे तिल भुन गए हैं और हम करते हैं गैस बंद। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दोबारा पैन रख दिया है। अब हम डालते हैं इसमें घी, ये देखिए, और इसे गरम करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा घी गरम होने लगा है। अब हम डालते हैं इसमें चीनी। हमने चीनी डाल दी है 1 कटोरी। अब हम इसमें ऐड करते हैं पानी। तो हम यहाँ पे 2 कटोरी पानी ऐड करते हैं, ये देखिए, और यहाँ पे हमने 2 कटोरी पानी डाल दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और इस चीनी को मैट करते हैं, यानी कि हमें इस की चाशनी बनानी है। और चाशनी हम 2 तार की बनाएंगे और इसे लगातार इसी तरह चलाएंगे हम। देख सकते हैं, हम अब चेक करते हैं हमारी चाशनी कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारी चाशनी बनके तैयार है, यानी कि चीनी एक बड़ा तार बनना है इसका, चीनी का। और अब डालते हैं हम यहाँ पे ये तिल जो हमने भुने थे और इसे करते हैं मिक्स। तो हमें ज़्यादा टाइट भी नहीं करने और ज़्यादा पतले भी नहीं करने। तो अभी हम इसे 2 मिनट के लिए इसे इस तरह ही चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे ये तिल अच्छे से चाशनी में मिक्स हो चुके हैं, यानी कि ना ज़्यादा गाढ़े और ना ज़्यादा पतले। तो हमें इसी तरह की चाहिए और गैस करते हैं हम बंद। हमने यहाँ पे एक प्लेट ली है और ये तिल करते हैं हम इसमें ट्रांसफ़र। ये देखिए, हम इसे प्लेट में कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसे थोड़ी सी ठंडी कर लेते हैं और यहाँ पे लिया है हमने पानी। तो अभी ये गर्म है, अभी बना के दिखाएंगे आपको। थोड़ी सी ठंडी कर लेते हैं इस तरह से। तो अब हम थोड़ा सा पानी हथेली पे लगाएंगे इस तरह से, और थोड़ी सी इस तरह से लेंगे और इस तरह बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमें थोड़ी इसी तरह करके बनानी है पानी का हाथ लगाते हुए। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, ज़्यादा गर्म ना हो। आप देख सकते हैं, हाँ, आप किसी भी शेप दे सकते हैं। तो हमने ये शेप दी है तो हमें इसी तरह बनानी है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये बना ली है और इसी तरह हम हथेली से दबाते हुए बनाएंगे। आप किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं। और हम सारे तिल की रेवड़ी ऐसे ही बनाएंगे और इन्हें हम ठंडी होने देते हैं। सूख गई हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सूखी हैं। और हम फोड़ के दिखाते हैं कितनी क्रिस्पी और अच्छी बनी है, मुलायम, ये देखिए। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।